महकमा मौसमियात के मुताबिक पहली मानसून बारिशों का सिलसिला 3 से 8 जुलाई जारी रहने का इमकान है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मानसून के इस सिलसिले के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDMA ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। मुतालिका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। ज़िला इंतजामिया एमरजेंसी मेडिकल अमले की मौजूदगी भी यकीनी बनाए। मानसून है वो एक सेशन है जो कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है, और जो इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो एक्सपेक्टेड रेन्स हैं, वो हमारे पास नॉर्थ पंजाब में और सेंटर पंजाब में ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी वजह से बारिश का जो दौरानिया हो जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं बाज़ दफ़ा ज़्यादा जो है वो क्लाउड ब्रस्ट की सूरत के अंदर स्पीड में बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से एक फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश हो जाती है। अदरवाइज़ अगर रूटीन के अंदर देखा जाए तो ये बारिश अगर डिफरेंट गैप्स के साथ आए तो फिर अर्बन फ्लडिंग जो है वो नहीं होती। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने आवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोलने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।